सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, सेना की डेंटल कोर में भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद याचिकाकर्ताओं के लिए अब राहत की खबर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, भविष्य में डेंटल कोर की सभी भर्ती होंगी बिना लिंग भेदभाव के। आर्मी डेंटल कोर में महिलाओं के लिए अभी सिर्फ 10% सीट होने से नाराज महिलाओं ने लगाई थी याचिका। सिस्टम से सवाल तो बनता है, इन्हें तो हक मिल गया पर आर्मी एग्जाम और एयरफोर्स भर्ती वाले युवाओं को न्याय कब? सवाल जो हमेशा मांगेंगे जवाब। युवाओं के संग हुए अन्याय से सेना में जाने का सपना रह गया अधूरा, जिम्मेदार कौन? युवा बोले, सालों की मेहनत कर दी बेकार, न्यायालय नहीं सरकार, तुम्हारे किए का भगवान करेगा हिसाब। अगर भारत चीन तनाव के बीच एलएसी पर भारतीय सेना ने किया युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास में जवानों ने दिखाया साहस और पराक्रम, दुश्मन देशों को कड़ा संदेश भी। चालवा, चीन को हर वक्त मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है भारतीय सेना। पाक में हिंसा का असर भारत में, सवाल खड़ा होता है। प्रोफेसर मुख्तर बोले, कारगिल युद्ध जैसा कर सकता है पाक, भारत को अलर्ट की जरूरत। प्रोफेसर बोले, घरेलू मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए पाक कर सकता है ऐसी कोई भी हरकत। भारतीय मूल के अमेरिकी प्रोफेसर ने हालातों को लेकर कहा, भारत को फिलहाल अलर्ट रहने की जरूरत। चलिए मिलाते हैं आपको मिलिट्री गाँव में। देश में एक गांव ऐसा भी जो मिलिट्री गांव के नाम से मशहूर, स्कूल में मिलती है सेना की ट्रेनिंग। महाराष्ट्र का सातारा जिला का गांव अपेशिंग, लेकिन अब इस गांव को मिलिट्री के नाम से जानते हैं। यहां 300 परिवार के गांव में हर घर से एक व्यक्ति सेना में दे रहा सेवा। पीढ़ियों से सेना में जाने की जिद और जुनून। मणिपुर में सेना के जवानों पर उग्रवादियों ने की गोलाबारी, घटना में एक जवान के घायल होने की खबर। हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में अब तक 60 से अधिक लोगों की जान जाने की खबर। आर्मी व सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा, हिंसा और आगजनी पर सेना कर रही काबू। सीना चौड़ा कर देने वाली खबर आपके लिए, धमाकों के बीच आतंकियों को किया था ढेर, मेजर युद्धवीर सिंह हुए शौर्य चक्र से सम्मानित। बीकानेर के नौका धुपलिया गाँव के रहने वाले हैं मेजर युद्धवीर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। आतंकियों से भिड़कर उन्हें ढेर करने पर युद्धवीर मेजर हुए शौर्य चक्र से सम्मानित।